हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आज हम आए अपने भाभी घर पे और उन्होंने पाठ बिठाना है। ये देखिए सारे हैं बच्चे हमारे। ये मेरे सब भतीजे भतीजे हैं। हेलो दोस्तों, ये देखिए ये रीता, देखो हमारी भाभी का नया घर बना है, उसका आज मुहूर्त है। यहाँ पे उन्होंने पाठ बिठाला है, इसलिए हम आए भाभी घर पे। अब 2-3 दिन हम यहीं रहेंगे। कहाँ रहेंगे, अब आइए तो रहेंगे हम। मेरे भतीजे भतीजियां हैं, ये देखो गएंगे, मतलब गिद्दा पाएंगे। चलो गिद्दा पाओ। देख लो भाई कितना बढ़िया। थोड़ा सा जोड़ के गाओ। हमारी भाभी ने मोर किया है। मोर है मेरा वीरा। मेरे भाभी का घर पूरा बाहर आ गए हम आपको दिखाने के लिए। देखिए इसका आज मुहूर्त है, पाठ बिठाला है भाभी ने। अभी हम सब लोग गुरुद्वारा साहिब जा रहे हैं। ये हमारी दीदी है, मतलब कौन गाएगा, लग रहा डिग्गा खड़ा। छेती चलो माते जाएंगे, आगे जाके इस साइड मुड़ेंगे, इस साइड मुड़ेंगे। ये सब लोग जा रहे हैं गुरुद्वारे। ये देखिए फूल कितने अच्छे लग रहे हैं। बस गुरुद्वारे हम लोग पहुँचने वाले हैं, थोड़ी दूर हो गया क्या ना। ये हम लोग पहुँच गए गुरुद्वारा साहेब। ये है गुरुद्वारा साहेब। सत नाम वाहे गुरु।
वाहेगुरु वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु प्रसादा खा लो भाई, प्रसादा खा रहे हैं। शाम के 6:30 बज गए हैं, खाने पीने की तैयारी चल रही है और अभी हम आज अपने भाभी घर पे ही हैं। ये देखिए शाम के 6:30 बज रहे हैं, बाबा जी अरदास कर रहे हैं। शाम के 7:30 बज रहे हैं, रोटी बन रही है तंदूर पर। देखिए रोटी बन रही है, मम्मी भाभी दीदी लोग लगे रोटी बना रहे हैं। बन रही है रोटियां, ये भी मैं खा रही हूँ और इधर तंदूर से बन रही है। देखो ये मेरी दीदी खड़ी है, दो वो भाभी है, ये मेरी दोनों दीदी है। ये देखो तंदूर पे रोटी लग रही है। अभी दिखाएंगे। ये देखो इधर देखो दीदी, ऐसे कर दो। शाम के 8:30 बज रहे हैं, खाना पीना सभी का हो गया है।